दिखाने के लिए मेरा पूरा परिवार जुट गया है। वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले ना मिले ठीक है, लेकिन तुम लोगों का उत्साह देखकर मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैंने ही अपने आप को दे डाला। बा, आपको अवार्ड दिलाने की लगन ने सब में जोश भर दिया है। मैं पिछले 4-5 महीनों से सोच रहा था कि अपने मैटरनिटी होम का काम शुरू करूं। फिर सोचा 5 साल अपनी बा से दूर रहूं तो उन 5 सालों के लाड़ प्यार की कसर पूरी कर लूंगा मेरा बच्चा। और अब आपको अवार्ड दिलाने की लगन ने मुझे फिर से काम करने की प्रेरणा दी है। सिर्फ एक बात की चिंता है बा, जयमती बेन भी जज है, वो आपकी जीत में बहुत रुकावटें खड़ी करेंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ, पर वजह तू जानता है? बेबी भी वजह जानना चाहती है। हाँ, मुझसे पूछ रही थी, मैंने नहीं बताया तो पूरे घर में घूम रही है कि कोई तो बताएगा। मैंने उसे समझाया कि जो राज है उसे राज ही रहने दे, इसी में सबकी भलाई है। मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। मैं क्या के हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए खुदा भाई बहन, आप ही तो बेटी की माँ हैं। साम दाम दंड भेद के अलावा और कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़े ना तो हम वो भी करेंगे। ये देखिए भाभी, सत्या पंडित को दिखाने के लिए ये साड़ी डिजाइन की है, कैसी है? ठीक है। मैं साड़ी की तबीयत नहीं पूछ रही हूँ, डिजाइन पूछ रही हूँ। आप क्या ढूंढ रही हैं जब से बेबी बेन? वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? भाई मिल जाए तो हमें भी पता ना, पता तो चले कुछ नहीं दिखने में कैसा है। वो मैगजीन ढूंढ रही हूँ जो मोटा भाई मुझसे ले गए थे। हाँ, डिंपल के पापा और मैगजीन? कौन सा मैगजीन? पता नहीं। ए छोड़िए ना भाभी, झूठ बोल रही है। अव्वल तो मोटा भाई कभी मैगजीन पढ़ते नहीं है, और गलती से अगर मांग भी ली हो तो बेबी बेन को पता नहीं है कि कौन सी मैगजीन थी। आप अपना काम कीजिए ना। वही तो कर रही हूँ, आप ढूंढिए ढूंढिए। हाँ भाभी बताइए ना कैसी है। सच बोलूं? देख, अगर सत्या पंडित को ये डिजाइन दिखाना है तो इससे अच्छा है कि तू मत दिखा। अरे सो टिपिकल प्रवीणा, ये आजकल सीरियल्स में शादियों में ऐसे डिजाइन चलते हैं ना, देख तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। क्या प्रवीणा तू बुरा मान गई? देख अगर जीतना है ना तो अलग होना ही पड़ेगा। अब ये डिजाइन देके सत्या पंडित तुझे सेकंड चांस भी नहीं देने वाला है। तुझे पता है ना, सत्या पंडित के फैशन शो में अपनी साड़ीज डिस्प्ले करने के लिए डिजाइनर्स 3-3 साल तक मेहनत करते हैं। तो भी हाँ, पर बा का अवार्ड फंक्शन तो 3 साल नहीं रुक सकता ना। अब इतने कम वक्त में यूनिक डिजाइन, मैगजीन मिल गई। अच्छा तो दिखाइए मैगजीन, दिखाइए। कुछ खास नहीं है। तो दिखाइए ना। अरे लीला, प्रवीणा कहाँ हो तुम दोनों? जाइए जाइए, बा बुला रही है, जाइए। हम तो जा ही रहे हैं बेबी बेन, लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं, ये जो कुछ भी छुपा रही है ना, मेहरबानी करके कुछ गड़बड़ मत करना। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं बा का नाम रोशन करने के लिए, आपकी एक गड़बड़ की वजह से हम सबकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इतना तो भरोसा रखिए मुझ पे। ओके ठीक है, रख लिया भरोसा। अरे लीला प्रवीणा, कम से कम जवाब तो दो। आ रहे हैं बा। चलिए लीला भाभी, वरना रेडियो एफएम बा पे आज एक ही गाना बजेगा, कुछ सिखाया नहीं बाप ने। चलो अच्छा है, अब मोटा भाई के आने तक मैं आराम से डायरी पढ़ के वापस रख दूंगी। यस। 5, 6, 7 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो। चेंज। 1, 2, 3,
संभाल बेटा। मैं ठीक हूँ, जस्ट गिव मी टू मिनट्स। ये तू डांस क्यों सीख रहा है? बा एक बहुत बड़ा सीरियल लॉन्च होने वाला है और उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे डांस भी आना चाहिए। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें डांस आता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं रोल की लालच में प्रवीण भाई बन गया और झूठ मूठ में हाँ कह दी। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, अगर रोल चाहिए तो डांस तो सीखना ही पड़ेगा। इसलिए सीख रहा है तू? हाँ बा। और पता है, जिसे भी ये रोल मिलेगा उसका स्पेशल प्रमोशन होने वाला है, शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगेंगी और मैं चाहता हूँ कि मेरी होर्डिंग्स लगे ताकि लोग उसे देख के कहे, अरे ये तो सुबोध ठक्कर है, गोदावरी ठक्कर का बेटा। तेरा ये सपना पूरा हो। लेकिन एक बात सुन ले बेटा, मुझे अवार्ड मिले इसलिए तुम सब इतनी मेहनत कर रहे हो, कल को अगर अवार्ड नहीं मिला तो मायूस मत होना बेटा। बा, मुझे पूरा यकीन है कि अवार्ड आप ही को मिलेगा। बा, आपके लिए फोन। किसका है? मैंने पूछा नहीं। अरे पूछना तो चाहिए। लो एक तो फोन लो, वो भी आपके लिए हो, ऊपर से मैं पूछूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? नालायक, इसमें भी फायदा ढूंढेगा। अरे बा, मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन आप तो पूछिए कौन है। देखिए ना कैसा करो। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ, जयमती। बोलिए जयमती बहन। नहीं, वैसे तो आप लोगों से बात तक करने का रिश्ता मैं नहीं रखना चाहती थी, लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं है कि मेरे जख्म भर जाए। उस दिन सालों बाद हम लोगों की फिर से मुलाकात हुई। उस दिन से लेकर आज तक 10 साल पुरानी वो बातें मुझे परेशान कर रही है। एक पल भी मैं चैन से सो नहीं पाई। आपने फोन किस लिए किया? मुद्दे पर आ रही हूँ ना। 2 मिनट तो सबर कीजिए गोदावरी बहन। मैंने 10 साल तक सबर किया। 10 साल पहले आपने एक फैसला लिया था। 10 साल बाद मुझे एक फैसला लेना है। जिसने मुझे सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, उसी को अवार्ड के लिए चुनना है। आपने फोन किस लिए किया? और फोन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल कड़वाहट मैं अपने काम के बीच में लाऊं। मैं अपनी सारी भड़ास निकालना चाहती हूं आप पर ही, ताकि कॉन्टेस्ट के समय पर मैं निष्पक्ष रहकर आपको जज कर सकूं। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। मैं नहीं मिलूंगी। आप मुझे अवार्ड के लिए सिलेक्ट करें ना करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और औरों को क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में तो आप कभी सोचती ही नहीं। मैं जानती हूँ आपको जवाब चाहिए कि आपकी बेटी के साथ मैंने हर्षद की सगाई क्यों तोड़ दी, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए जवाब। जवाब ऊपर वाला देगा आपको, बल्कि दे चुका है। आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, एक माँ की हायली है, इसलिए तो आपकी बेबी का रिश्ता आज तक कहीं नहीं हो पाया। आपकी पोती डिंपल की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, लेकिन आपकी बेटी घर पर ही है। ये ऊपर वाले का हिसाब किताब है जो कभी गलत नहीं हो सकता। आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, एक माँ की हायली है, इसलिए तो आपकी बेबी का रिश्ता आज तक कहीं नहीं हो पाया। तू चल मेरे साथ, बैठ, आ बैठ। हाँ, दे दे मुझे, दे, देख प्रवीणा, देख, अब पता चलता है, वो बैठी है, तो पता भी नहीं चलता है। जिंदगी बैठे बैठे नहीं कटती है बा। आपकी पोती डिंपल की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, लेकिन आपकी बेटी घर पर ही है। आज मैं भगवान से मांगता हूं कि अगले 14 जन्मों तक मैं डिंपल के साथ रहूं।
ये ऊपर वाले का हिसाब किताब है जो कभी गलत नहीं हो सकता। आज से तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो गट्टू है ना, वो इन्हें राम और श्याम कहता है, मगर आज से मैं इसका नाम अनीश और इसका नाम डिंपल रखूंगी। बस संभाल लेना। हुआ सर्टिफिकेट का? अरे नहीं प्रवीण, ये परफ्यूम दिया मुझे और ये हम जजेस को दिखा भी नहीं सकते। सही बात है, ये मैं रख लेता हूं। क्या कर रहा है तू? अरे आप मुझे यूज़ करने दीजिए ना, आप तो यूज़ करते नहीं। और ये बताइए कि आप सर्टिफिकेट का कैसे करेंगे? अरे सर्टिफिकेट तो पिछले साल से देना शुरू किया कि इसने इस महीने हाईएस्ट टारगेट अचीव किया है। ओके, तो इस महीने आपके हाईएस्ट टारगेट अचीव करने के चांसेस कितने? बहुत कम। पवार और गजानन मुझसे आगे हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा मोटा भाई? अगर हमें बा को जिताना है तो हम सब भाइयों को जम के मेहनत करनी पड़ेगी। बा की पोजीशन इतनी स्ट्रांग कर देंगे कि तीनों जजेस को चाहे लाख प्रॉब्लम हो बा से, वो बा को फर्स्ट प्राइज देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, आप मुझे इंश्योरेंस फॉर्म दीजिए और पॉलिसी समझाइए, मैं ले आता हूँ कुछ क्लाइंट्स। एक मिनट, मगर तू कैसे? अरे आप आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिन रहे? वो मैं मैनेज कर लूंगा। इस महीने आपको सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए बस। अरे पर प्रवीण ये तो मेरा अचीवमेंट हुआ, तू अपने साड़ी के बिजनेस में क्या अचीव करने वाला है? अरे मिस्टर पवार बैठ के काम कीजिए। हाँ। फील कंफर्टेबल? हाँ। हाँ? मोटा भाई क्या ये? सत्या पंडित का नाम सुना है आपने? सत्या पंडित? किसकी शादी करवाई है सत्या पंडित ने? वो शादी वाला पंडित नहीं, फैशन गुरु सत्या पंडित। सत्या पंडित का एग्जीबिशन होने वाला है, वो अपने फैशन शो में 5 से 6 नए डिजाइनरों की साड़ियां डिस्प्ले करने वाला है। अगर उसके फैशन शो में मॉडल मेरी डिजाइन की हुई साड़ी पहन के रैंप वॉकिंग करेगी ना, तो मैं तो रातों रात पेज 3 सेलिब्रिटी हो जाऊंगा। मेरा नाम होगा तो सोचो बाका कितना नाम होगा, लोग कहेंगे कि गोदावरी ठक्कर का बेटा पेज 3 पे। हाँ हाँ प्रवीण, पर फ्रंट पेज पे तेरा नाम या तेरी फोटो आए तो उसका मतलब है, पेपर के तीसरे पन्ने पर तेरा नाम या तेरी फोटो आए उसका क्या मतलब? ओह मोटा भाई आप रहने दीजिए, आप सिर्फ ये झंडा पकड़ के रहिए कि हमें किसी भी हाल में बाकू जिताना है, बस साम दाम दंड। लेकिन प्रवीण साम मेरा होगा। हाँ ठीक है, साम आप रखिए, दाम दंड और भेद मैं रखता हूँ। ठीक है आदमी ने कहा है कि राज और चॉकलेट हमेशा शेयर करनी चाहिए। कैसा राज? अदा की डायरी में जो लिखा है वो राज। हमें भी जानना है प्लीज। क्यों? ताकि बाद में हम आपको ब्लैकमेल कर सके। चैताली ये गलत है। हाँ अच्छा तो तू जा, हमारे पीछे क्यों आई? तुझे भी तो मन है ना राज जानने का? नाटी? अच्छा बेबी भाई, आपको मेरे लिए क्या करना है वो बात हम बाद में करेंगे। पहले फटाफट डायरी खोलिए और बताइए 10 साल पहले दादी माँ और जयमती बहन के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ था। चलिए चलिए, हमारी बात माने बगैर आपके पास और कोई चारा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। बेबी भाई जल्दी कोई आ जाएगा? अरे कोई नहीं आएगा, सब लोग अपने आप में बिजी है। अरे वो देख क्या था? शीरा, 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 शी
जो 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 जय श्री कृष्ण। ओ मेरे प्यारे कृष्ण, ओ मेरे भोले कृष्ण, मेरी बकोवड़ दिला दे तू, मुझे पानी पूरी भी खिला दे। जो जो जय श्री कृष्ण, जो 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। की बोलशी भालो ओमी गट्टू ऐसा ऐसा। गट्टू काका, आपने धोती और कुर्ते क्यों पहन रखे हैं? और आप बंगाली में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ना अभी बंगाली बना हूँ। क्यों? बा को अवार्ड जितवाने के लिए ऐसा लगना चाहिए ना कि बा का हर बेटा कुछ ना कुछ काम करके आगे आया है। तो मैं तो कुछ काम नहीं करता ना, तो फिर बा को माइनस मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए अभी मैं काम करने लगा हूँ। क्या काम करने लग गए? मैं ना वेटर बना हूँ, मतलब ऐसा घर में ही। ओ मीनाक्षी भाभी है ना, मीनाक्षी भाभी ओ तेरी मम्मी है ना वो? वो मीनाक्षी भाभी है ना, वो बाको ज्यादा मार्क्स दिलवाने के लिए हर रोज अलग अलग टाइप का स्पेशल खाना बनाने वाली है। वाओ फूड फेस्टिवल। वाओ फूड ऐसा ऐसा। तो मीनाक्षी भाभी है ना, जिस जगह का खाना बनाएगी ना, मैं उधर के कपड़े पहनूंगा और उधर की भाषा बोलूंगा। तो अभी पानी पूरी बनाई ना मीनाक्षी भाभी ने, इसलिए अभी बंगाली। लेकिन पानी पूरी तो मुंबई की आइटम है। ए मिताली, तुझको कुछ पाल हां यहां हां यहां। ओ मिताली तेरी बहन है ना, उसको कुछ मालूम नहीं है। हां मिताली, ओ मीनाक्षी भाभी ने अभी मुझको बोला कि पानी पूरी है ना वो बंगाल की आइटम है, और उधर है ना पानी पूरी को पुचका बोलते हैं। पुचका, पचका का छोटा भाई। मैं आप लोग के लिए लेके आऊ, लेके आऊ आप लोग के लिए। पूछने क्यों आए, लेकर ही आना था ना? मैं ना मैं किचन में से तो लेके ही निकला था, लेकिन फिर रास्ते में आते आते खत्म हो गया, पता नहीं कैसे। मैं और लेके आऊ, आमी और नहीं है अस्सी। गट्टू काका रुकिए, हम वहाँ आकर ही खाते हैं। फरा एक भी पानी पूरी यहाँ पहुँचेगी ही नहीं। बेबी फाई, हम इन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं हाँ, पानी पूरी खाने। हम बाद में आते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बेबी तो खाएगी। नहीं नहीं गट्टू, मेरा उपवास है, उपवास है, उपवास है। चलो तो हम ही पुचका खाबो, रसगुल्ला खाबो, संदेश खाबो। मुड़ा भाई, सॉरी सॉरी, मुड़ा भाई ये लीजिए, 6 पॉलिसी बेच डाली मैंने। क्या बात करता है तू प्रवीण, 6 पॉलिसी और वो भी एक दिन? अरे दिन क्या, चंद घंटों में 6 पॉलिसी बेची तूने? कमाल है, आज तक मैं इतना नहीं कर पाया, तूने कैसे किया? टेक्निक, सेल्समैन की टेक्निक मुड़ा भाई, माल के साथ कुछ फ्री दो तो माल धड़ाधड़ बिकता है, धड़ाधड़। अरे पर प्रवीण तू तो नसीहत भी किसी को मुफ्त में नहीं देता, पॉलिसी के साथ क्या दिया तूने? मैंने कहा आप पॉलिसी लीजिए, आपका फर्स्ट प्रीमियम मैं भरता हूँ। अरे तू पागल है क्या, गलत है ये, गलत है। अरे अरे पवार भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई भी पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम मैं भरता हूँ तो कुछ गलत है क्या? कंपनी को तो पैसों से मतलब है ना। अरे पर इसमें कितना खर्चा होगा प्रवीण, ये सोचा है तूने? 15-20 हज़ार रुपए और कितना। बैठे ना पवार। अरे लेकिन बा अगर प्राइज जीतेगी तो 3 लाख रुपए कैश मिलेंगे, 3 लाख रुपए। अब आप पॉलिसी बेचिए ना, खर्चा क्यों देख रहे हैं? और मैंने जो पॉलिसी बेची उसके हिसाब से आपका 80% तो टारगेट अचीव हो गया ना? हाँ हाँ, आई थिंक सो। गुड, तो कल 5-6 पॉलिसी और भेज दूंगा आपको, कम से कम समय में हाईएस्ट टारगेट अचीव करने का अवार्ड तो मैं जीता के रहूंगा। मोटा भाई, कंपनी की मैगजीन में आपका कलर फोटो छपेगा, 5x4 फैंटास्टिक। प्रवीण मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। थैंक्स कहिए मोटा भाई, और अपने बॉस से मिलवाइए, चलिए। पर क्यों? अरे सत्या पंडित के फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आपके बॉस ने करवाया था, और सत्या पंडित के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशंस हैं। अच्छा, मतलब तू सत्या पंडित तक पहुंचना चाहता है इसलिए मेरी मदद कर रहा है ना? मतलब वो भी एक वजह थी मोटा भाई। बात सही कहती है, तू है तो लबाड़ प्रवीण। देखो मोटा भाई, मैंने आपकी मदद की ना, अब आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, चलिए ना प्लीज। एक मिनट रुक रुक प्रवीण रुक, मुझे जरा देखने दे बॉस का मूड कैसा है। अरे उनका मूड तो हमेशा खराब रहता है,
आप मुझे एक बार मिलवा दीजिए ना उससे, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।